आपके पार्टी की क्या भूमिका है नई संसद की इमारत? बात ऐसी है कि सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं है। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन कर रहे हो। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल। सर, सरकार की तरफ दलील दी जा रही है पहले राजीव जी ने, इंदिरा जी ने भी उद्घाटन किया। देखिए, राजीव जी और इंदिरा जी ने संसद भवन के परिसर में कुछ इमारतों का उद्घाटन किया है, संसद भवन का नहीं। जो एक्सटेंशन है पार्लियामेंट का, जहां हमारे कुछ कार्यालय है सरकार के, उसका उद्घाटन किया। मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग का राष्ट्रपति ही उद्घाटन किया। अभी दो राष्ट्रपति जो बीजेपी ने बनाए हैं वो तो रबर स्टैंप भी थे, ऐसे लोग बोलते हैं। कोविंद जी को कहाँ अधिकार मिला था उनका, और द्रौपदी जी को, मुर्मू जी को आदिवासी महिला, आदिवासी महिला, आदिवासी महिला बनाकर बना दिया, लेकिन उनको राष्ट्रपति भवन से बाहर तक आने नहीं दिया जाता है। जो देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रपति भवन के सामने पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हो रहा है, उनके लिए उनको निमंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो देश में कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा संविधान चल रहा है, और इसका प्राइवेट संविधान चल रहा है क्या? राष्ट्रपति को नहीं बुलाना क्या पूरे आदिवासी समाज का अपमान? आदिवासी समाज का नहीं, देश का अपमान। आदिवासी समाज का तो अपमान है, दलितों का, शोषितों का, आदिवासी समाज का तो अपमान है, लेकिन मैं मानता हूँ देश के संविधान का भी अपमान है।